हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज अगेन रैशनल नंबर बट एक्सरसाइज 1C। द नेक्स्ट एक्सरसाइज 1C दे विच जो असी की करना है किसी रैशनल नंबर्स नू मल्टीप्लीकेशन, तो आओ एग्जाम्पल्स के नाल ही इन्हों नू सीखते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज इवेल्यूएट -11/9 इंटू -51/-44। तो देखो दो रैशनल नंबर है, फर्स्ट इज -11/9 एंड सेकेंड इज -51/-44। तो दोनों नंबर्स नू असी की किया होया मल्टीप्लीकेशन। सो दिस मीनस असी दोनों नंबर्स नू मल्टीप्लाई करना। सो -11/9 इंटू -51/-44। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की करेंगे असी साइन सॉल्व, तो नैगेटिव नाल नैगेटिव कैंसल हो जाएगा। ओके एंड नेक्स्ट इज अगर कोई कॉमन टेबल है तो उसनों असी कटिंग करके बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच कन्वर्ट करना। सो नेक्स्ट 11 1 11 एंड 11 4 44। ओके एंड नेक्स्ट इज 3 3 9 एंड 3 17 51। सो ये 3 दे टेबल ते कट हो जाएगा। सो दैट इज़ इक्वल टू इतने अपने को बचा एक नैगेटिव साइन सी -1/3 मल्टीप्लाई बाय 17/4। सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 × 17 मल्टीप्लाई असी सिंपली कर देनी है, उपर जो न्यूमिनेटर है उसनों न्यूमिनेटर नाल, जो नीचे है डिनोमिनेटर नो डिनोमिनेटर नाल। तो -1 × 17 दैट इज़ -17 divide by 3 × 4 is 12. So this is the required answer. So next question is multiply 36/-7 and -9/28। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ते सेकंड क्वेश्चन च की डिफरेंस है, इतने इवैल्यूएट किया सी बट इन्हां ने मल्टीप्लाई का साइन खुद देता अपन, दिस मीनस असी दोनों नू मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इतने इन्हां ने की दिता हुआ है, जस्ट दो नंबर दिते हुए हैं एंड कहा की होया सानू कि मल्टीप्लाई, दिस मीनस असी इन्हां दोनों नंबरस नू मल्टीप्लाई करना है। सो 36/-7 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे -9/28। सो पहला इसनों कट कर लेंगे जिन्ना भी साढ़े तो सिंपल होएगा कटिंग करके। सो माइनस नाल माइनस कट हो जाएगी, दैन एट द टेबल ऑफ 4 दिस इज 7 एंड दिस इज 9। सो इस तो बाद होर कोई कटिंग नहीं होएगी। सो दिस मीनस इतने साढ़े को बचेगा 9/7 मल्टीप्लाई बाय, इतने भी साढ़े को बचे 9/7। So this is equals to 9 × 9 is 81, divide by 7 × 7 is 49. Okay, clear? This is the answer. Next question is 2 × 1/4 -18/7 into -7/15. Evaluate this. मीनस असी इसनों सॉल्व करना है, तो इसनों सॉल्व करने लिए असी की करांगे, जो बोर्ड मास है उसके रूल के अकॉर्डिंग इसनों सॉल्व करांगे। तो बाय बोर्ड मास की होंगे अपने को, पहला असी ब्रैकेट नू सॉल्व करते हैं, तो एक ब्रैकेट ही है और सैकेंड ब्रैकेट ही है, तो असी इन दोनों ब्रैकेट्स नू पैरलर सॉल्व करते जावांगे। उस तो बाद जो असी इसनों सॉल्व कर लिया ब्रैकेट्स नू, तो दैन इन्हों माइनस करना है। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल असी की लिख सकते हैं, 2 नू की लिख सकते हैं 2/1। ठीक है, दिस इज़ अ रैशनल नंबर एंड दिस इज 1/4। सो माइनस दिस इज इन सिंपली माइनस एंड माइनस जो है वो कैंसल हो जाती है डिविजन दे विच भी ते मल्टीप्लाई दे विच भी। क्यों हो जाती है? बिकॉज असी मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस की हो जाता है प्लस, सो दिस मीनस माइनस का साइन खत्म हो जाता है। सो दैट्स वाई दिस इज 18/7 इंटू 7/15। ओके तुसी नेक्स्ट स्टेप भी कटिंग कर सकते हो, तो मैं इसनों फर्स्ट स्टेप ही कर देता। सो नेक्स्ट कटिंग जो है वो की होएगी, कॉमन टेबल्स
टू इंटू वन इज़ वन एंड टू इंटू टू फोर, सो सेवन नाल सेवन कट हो जाएगा एंड 18 एंड 15 थ्री दे टेबल दे, थ्री इंटू फाइव इज 15 एंड थ्री इंटू सिक्स इज 18, सो की बचा साढ़े को इस तो बाद हूँ इस तो ज़्यादा कुछ भी कटिंग नहीं होएगी तो जो अपने को बचे दैट इज सेम एज विच इज इक्वल्स टू इतने अपने को कुछ नहीं बचा दिस मीन्स वन बाय वन एंड वन बाय टू ओके माइनस दिस इज सिक्स बाय नीचे कुछ नहीं बचा दिस मीन्स वन इंटू ऊपर कुछ नहीं है दिस मीन्स वन बाय फाइव ओके क्लियर सो नाउ मल्टीप्लाई दिस टर्म्स वन इंटू वन इज वन वन इंटू टू इज टू तो ब्रैकेट सॉल्व हो गई है तो इस तो बाद ब्रैकेट लगाना छड़ देना सी माइनस सिक्स इंटू वन इज सिक्स डिवाइड बाय वन इंटू फाइव इज फाइव सो हूँ असी की करना है साढ़े को सिंपली दो रैशनल नंबरस है तो इन्हों असी माइनस करना है सो इस फाइव एंड टू द एलसीएम लवेंगे फाइव एंड टू द एलसीएम कितना होएगा टेन तो इसमें असी टेन बनाने लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय फाइव एंड इसमें असी टेन बनाने लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू करेंगे सो दैट इज इक्वल टू वन इंटू फाइव इज फाइव बाय टेन माइनस सिक्स इंटू टू इज ट्वेल्व बाय टेन सो दैट इज इक्वल टू एलसीएम इज फाइव टेन दिस इज फाइव माइनस ट्वेल्व सो दैट इज इक्वल टू दोनों का साइन जो है वो डिफरेंस है दिस मीन माइनस होएगा ट्वेल्व के फाइव माइनस करो सैवन एंड सैवन का साइन की होएगा जो ग्रेटर है ट्वेल्व तो ट्वेल्व का साइन नैगेटिव सो माइनस सैवन डिवाइड बाय टेन सो दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर नैक्सट क्वेश्चन है नैक्सट क्वेश्चन के असी की करना वेरीफाई करना द प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव verify that the product is commutative दो numbers है तो उसकी product की होएगी साढ़े को commutative होएगी commutative का मतलब की होंगे a and b दो numbers है तो दोनों असी multiply करेंगे product means दोनों multiply कर रहे हैं so that means ये की होना चाहिए b cross a दे बी इंटू ए दे इक्वल होना चाहिए तो ए नू पहला फर्स्ट ते रखांगे बी ना मल्टीप्लाई करांगे जब बी नू असी पहला रखांगे तो ए ना मल्टीप्लाई करांगे दोनों का आंसर साडे कोल की होना चाहिए सेम सो कम्यूटेटिव का मतलब ए है सो हुण साडे कोल जो दो नंबरस है दैट इज ए इक्वल्स टू थ्री सपोज कर लो एंड जो सैकेंड नंबर है सपोज कर लो इस दिस इज बी माइनस एट बाय नाइन तो हुण असी पहला ए इंटू बी फाइंड आउट करांगे सो दिस मीन्स दिस इज थ्री इंटू माइनस एट बाय नाइन ये फाइंड आउट करांगे सो इस दे नीचे असी की लिख सकते हैं वन अगर इस नू पूरा रैशनल नंबर कंप्लीट करना है तो अदरवाइज असी सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं सो इस दे विच जो कटिंग होएगी दैट इज थ्री दे टेबल ते थ्री वन द थ्री एंड थ्री थ्री द नाइन सो दैट इज इक्वल टू इतने अपने को बचे हैं वन एंड नीचे भी वन मल्टीप्लाई बाय माइनस एट बाय थ्री सो नाउ सिंपली मल्टीप्लाई वन इंटू माइनस एट इज माइनस एट डिवाइड बाय वन इंटू थ्री इज थ्री सो दिस इज माइनस एट बाय थ्री एंड हुण असी सैकेंड राइट हैंड साइड चेक करांगे बी क्रॉस बी इंटू ए सो बी दी जो वैल्यू है फर्स्ट लिखांगे माइनस एट बाय नाइन इंटू मल्टीप्लाई बाय ए मीन्स थ्री तो सेम एस थ्री नो असी थ्री बाय वन लिख सकते हैं सो नाउ कटिंग थ्री वन द थ्री 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 द नाइन इस तो ज़्यादा होर कोई कटिंग नहीं होएगी तो बाकी सेम एस माइनस एट बाय थ्री इंटू दिस इज वन बाय नीचे भी वन सो मल्टीप्लाई दिस माइनस एट इंटू वन इज माइनस एट एंड थ्री इंटू वन इज थ्री सो तुसी देख सकते हो माइनस एट बाय थ्री एंड दिस इज ऑल्सो माइनस एट बाय थ्री सो ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए सो ए प्रॉपर्टी साड़ी होल्ड कर रही है सो दिस मीन्स दिस प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
असें की करना है, किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, जां फिर असें इनू कह सकते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एंड रेसिप्रोकल दोनों का मतलब सेम ही होएगा। अगर सपोज साढ़े को नंबर है 2/3, तो असं 2/3 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है जां फिर यदा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो उसका मतलब की होंगे, सिंपली इसका न्यूमीनेटर जो है उसनों डिनोमीनेटर दे चेंज कर दो, तो जो डिनोमीनेटर है उसनों न्यूमीनेटर च, तो मीनस असं की करना है उसको कन्वर्ट कर देना 3/2 दे। तो असं लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इज 3/2। ओके, तो इसका रेसिप्रोकल की होएगा, इसनों उल्टा कर देना है जस्ट सिंपली। अगर कोई न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों के है तो तुसे सिंपली किसी नंबर नू चेंज कर दोगे ऊपर नीचे तो हो जाएगा। बट सेकंड क्वेश्चन असं लैने, अगर 5 हो 5 का तो रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। तो इतने थोड़ा जहा कन्फ्यूजन होएगी थोनों, क्योंकि 5 जो है वो सिंगल नंबर है, डिनोमिनेटर दे विच कुछ नहीं है, बट असं इसनों की लिख सकते हैं 5/1, ये तो लिख सकते हैं ना 5 में। सो 5 इज इक्वल टू 5/1, तो हूँ इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसनों चेंज कर दो, जो 1 है वो ऊपर आ जाएगा, जो 5 है वो नीचे। सो यदा रेसिप्रोकल की होएगा 1/5। ठीक है, मैं जस्ट शॉर्ट दे विच कर रही हूँ, बट तुसीं इसका मतलब ये नहीं है ये लिखना है, तुसीं पूरी लाइन लिखोगे रेसिप्रोकल ऑफ 5 इज दिस। ओके, एंड नैक्सट इज -7/-8, तुसीं इस नंबर का रेसिप्रोकल लिखना है की होएगा। तो फर्स्टली जिवें है, पहले अपने को नंबर शॉर्ट फॉर्म के बट ए नंबर के है थोड़ी कैलकुलेशन होएगी, मीनस इस दोनों साइन नैगेटिव है, तो नैगेटिव नैगेटिव जो है कैंसल हो जाएगा। सो एक्चुअल जो सानू नंबर गिवन है दैट इज़ 7/8, तो इसनों जो कटिंग भी हो सकती है तो भी असं उसनों कट करेंगे, पहले सिंपल फॉर्म च लिखेंगे, उस तो बाद असं उसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो हुण साढ़े कोल इह नंबर की होएगा इसका रेसिप्रोकल, सिंपली इसनों कन्वर्ट कर दो, सो दिस इज़ 8/7, तो इसका रेसिप्रोकल ही होएगा। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना सी अगेन, बट जो सानू स्टेटमेंट गिवन है दैट इज़ -8/3 इंटू 13/-7, असी इस नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। सो रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने तो पहला साढ़े को एक सिंपल नंबर होना चाहिए, तो उस करेंगे असी पहला इसनों सॉल्व करेंगे, तो असी इसनों सॉल्व किवें करना, सो दैट इज़ इक्वल्स टू -8/3 इंटू 13/-7। तो पहले माइनस नाल माइनस कट हो जाएगी, फिर देखो इस दे विच कुछ कॉमन है, इस दे विच कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी टेबल ते कटिंग नहीं होगी। अगर नहीं कटिंग हो रही तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 8 × 13 दैट इज़ इक्वल्स टू 104, डिवाइड बाय 3 × 7 दैट इज़ 21। तो जो नंबर आया साढ़े को सिंपल नंबर है 104/21। Then now reciprocal of this is ki aayega 21/104. This is the required answer. So next hai verify that verify karna hai si ki verify karenge x plus y multiply by z is equals to x इंटू जैड प्लस y इंटू जैड, ये वेरीफाई करना है। और x y z दी वैल्यूज गिवन है, x इज़ 4/5 एंड y इज़ --2/3, एंड y दी जो वैल्यू है इसमें असं पहले ही सॉल्व कर लेने हैं, --2/3, तो -, साढ़े को आ जाएगा प्लस, तो इसमें असं लिख सकते हैं y सिंपली 2/3। ओके, एक्स की वैल्यू सेम है, वाई की वैल्यू थोड़ा असं सॉल्व कर लिया, एंड जो जैड है उसकी वैल्यू साढ़े को गिवन है -4। ओके, तो हूँ असं उस तो बाद वेरीफाई करेंगे। तो फर्स्टली लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय जैड, सो दिस इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू अपने को 4/5 प्लस वाई की जो वैल्यू है 2/3,
ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय जेड, जेड मीन्स माइनस फोर। सो बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली पहले अं ब्रैकेट नू सॉल्व करेंगे, सो दैट इज़ इक्वल्स टू 5 and 3 का एलसीएम 15। तो हूँ असी बहुत क्वेश्चन सीख ले हैं, तो मैं थोड़ा शॉर्ट कर रही हूँ। तो अगर 15 दोनों का एलसीएम आ रहा, दिस मीनस असं इस 3 ना मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपली असं 15 लिख के नीचे उपर 3 ना मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 4 इज 12 प्लस इसनों की करना 5 ना मल्टीप्लाई, तो नीचे 5 ना करके 15 आएगा, उपर 5 × 2 की आएगा 10। दिस इज इजी इंटू माइनस 4, सो दैट इज इक्वल्स टू 12 प्लस 10 इज 22 डिवाइड बाय 15 इंटू माइनस 4 एंड मल्टीप्लाई करना, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, दिस मीन असं 1 लगा सकते हैं। हूँ देखो न्यूमिनेटर नू ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो डिनोमिनेटर्स है उसनों नीचे, तो 22 इंटू माइनस 4 कि आ जाएगा माइनस 88 डिवाइड बाय 15 इंटू 1 इज 15। एंड हूँ असी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड की है एक्स मल्टीप्लाई बाय जेड प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय जेड। सो फर्स्टली पुट दीज वैल्यूज, एक्स की वैल्यू जो है दैट इज 4/5 इंटू जेड, जेड जो गिवन है माइनस 4, देन प्लस प्लस तो बाद की आएगा वाई, वाई की वैल्यू जो गिवन है दैट इज 2/3 इंटू जेड, जेड की वैल्यू माइनस 4। सो हुण सानू किते ब्रैकेट नहीं गिवन, बट जो मैं ब्रैकेट लगाई हुई है वो नैगेटिव साइन है इसलिए लगाई हुई है। और हुण बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली इसनों सॉल्व करांगे, तो की हुंदा है पहले असीं मल्टीप्लीकेशन जां डिवीजन नूं सॉल्व करदे हां। सो दिस इज़ मल्टीप्लीकेशन, पहले असीं इसनों सॉल्व करांगे एंड दिस इज़ मल्टीप्लीकेशन, इसनों सॉल्व करांगे पैरलर एंड दैन दोनों नूं ऐड करांगे, सो दैट इज़ इक्वल्स टू दिस बिकम्स 4/5 इंटू माइनस 4/, नीचे कुछ नहीं है तो दिस मीन्स 1 प्लस 2/3 इंटू माइनस 4/1 लिख सकते हैं। हुण कटिंग नहीं हो रही, कुछ भी कॉमन नहीं है इन्हां दे विच, तो सिंपली असी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × −4 इज −16 डिवाइड बाय 5 प्लस 2 × −4 इज −8 डिवाइड बाय 3, सो दैट इज इक्वल्स टू −16/5 एंड माइनस प्लस इज −8/3। हुण असी सिंपली 5 and 3 का एलसीएम लवेंगे, 5 and 3 का एलसीएम की आएगा 15, सो 15 बनाने लिए 3 ना मल्टीप्लाई, दिस मीन्स ऊपर भी असी 3 ना मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 × 3 इज −48 एंड इसनों असी की करेंगे 5 ना मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 ना मल्टीप्लाई, दिस मीन्स 5 × 8 इज 40। ओके सो दिस इज इक्वल्स टू, दोनों के साइन सेम है, दिस मीन्स ऐड होंगे 48 + 40 इज 88 एंड दोनों के साइन की है नैगेटिव, सो साइन इसका भी की रहेगा नैगेटिव डिवाइड बाय 15। सो हुण देखो जो लैफ्ट हैंड साइड असी यह सॉल्व की उसका आंसर आया −88/15, जो राइट हैंड साइड असी यह सॉल्व की उसका भी आंसर की आ रहा −88/15। सो दिस मीनस साढ़े को वेरीफाई हो गया कि दोनों साइड जो है इक्वल है एंड जो साढ़े को प्रॉपर्टी इन्होंने सॉल्व करके दिती हुई है दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ला, तैनू डिस्ट्रीब्यूशन ला या डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी कह दें। ओके क्लीयर, आई होप थोनों ये समझ आ गया होना सारा, तो हुण तुसी एक्सरसाइज आराम नाल कंप्लीट कर सकते हो।